नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मैहर के ग्राम गोरैया में आम सभा को किया संबोधित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम में गठित राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की हुई बैठक। और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में कटनी में जिला योजना समिति की हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिंधु समाज के वे लोग जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां आए हैं और राजस्व या नजूर की भूमि पर वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर आवासीय पट्टे दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को सतना जिले के मैहर के गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सांसद गणेश सिंह, विधायक हर्ष नारायण सिंह और पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी भी मौजूद थे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मैहर में विभिन्न वार्ड में घूमकर रहवासियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि मैहर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, वेस्ट प्रोडक्ट से ऊर्जा, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे, नाली निर्माण, ऑडिटोरियम निर्माण और विष्णु सागर को सुंदर बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की कक्षाएं अब सुबह 9 बजे से लगेंगी। उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये निर्देश विभागीय समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने एसजीएस आईटीएस इंदौर के डायरेक्टर के लिए विज्ञापन जारी करवाने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में वरिष्ठ व्याख्याता को ही प्राचार्य का प्रभार दिलवाया गया। उन्होंने कहा कि आगर मालवा और मैहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव तैयार है। कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि देश की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर साल कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि दर बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों को किसानों को नित्य नई तकनीक और वैकल्पिक फसलों के लाभ से अवगत करवाना और प्रेरित करना होगा, ताकि वे देश की जरूरत के मुताबिक उत्पादन कर सके। कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन बिट्टन मार्केट में इंटरनेशनल एग्री एंड हार्टी टेक्नोलॉजी एक्सपो का शुभारंभ कर रहे थे। एक्सपो 31 दिसंबर तक चलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें आप ईएमएस टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप्स पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।